ग्वालियर के थाटीपुर थाने के अंदर से एक सेनेटरी कारोबारी की पिस्टल गायब हो गई। कारोबारी ने पिस्टल नगर निगम चुनाव से पहले आचार संहिता लगने पर जमा करवाई थी। जब वह सोमवार को पिस्टल लेने थाने पहुंचा तो वह गायब मिली। थाने के अंदर से पिस्टल गायब होने से हड़कंप मच गया। थाटीपुर स्थित जोशीनगर में रहने वाले सेनेटरी कारोबारी नीलेश शर्मा के पास लाइसेंसी पिस्टल है। नगर निगम चुनाव से पहले आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता लगते ही हथियार जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके चलते नीलेश शर्मा ने अपनी पिस्टल भी थाटीपुर थाने में जमा कराई। सोमवार को वे थाटीपुर थाने में अपनी लाइसेंसी पिस्टल वापस लेने के लिए पहुंचे। इसी दौरान जब शस्त्रागार से पिस्टल निकाल के ढूंढी गई तो वह गायब मिली। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह राजपूत सहित अन्य स्टाफ भी आ गया। देर रात तक पिस्टल ढूंढी गई लेकिन पिस्टल का कोई पता नहीं लगा है। इस संबंध में एडिशनल SP क्राइम राजेश नौतिया का कहना है कि अभी कई हथियार थाने में जमा है, हो सकता है इन्हीं के बीच कहीं पिस्टल दब गई हो। उसे ढूंढा जा रहा है और जल्द ही आवेदक को उसकी पिस्टल वापस की जाएगी। पिस्टल थी जो थाने जमा कराई थी वो गायब हो गई, कैसे क्या हो गई? पिस्टल नहीं थी, रिवॉल्वर थी मेरी। 8 से 2022 को मैंने आचार संहिता लगी थी जब नगर निगम की, उस टाइम पे जमा कराई थी। फिर उसके बाद चुनाव से आचार संहिता हटी तो मैं लेने गया तो उस टाइम पे बहुत सारी रखी थी तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत दबी हुई है, शायद नीचे दबी होगी तो आप थोड़े दिन बाद आ जाना। फिर मैं दोबारा गया, कम हुई तो उस टाइम पर भी नहीं मिली। यानी 3 महीने से मैं लगातार चक्कर लगा रहा था तो फिर 5-6 दिन पहले मैं गया तो वहाँ पे देखी 5 पिस्टल बची थी ओनली, उसमें रिवॉल्वर कोई थी नहीं। तो मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कि अब तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करना है? तो मैंने कंप्लेंट डाल दूँ तो ये डाल दो आप, एप्लीकेशन दे दो। तो मैंने CMM हेल्पलाइन पर कंप्लेंट डाल दी और थाने में भी कल एप्लीकेशन दे दी थी। ये आपको कब पता लगा कि आपकी पिस्टल गायब है थाने से? वो तो शुरुआत से ही ये पता चल गया था जब उन्होंने कही थी सामान, वो क्या कहते हैं दबी हुई है, तब तो मैंने कही शायद दबी होगी तो अपन को पता नहीं चला। अभी तो 5-6 दिन पहले ही पता चला कि वो मिल ही नहीं रही मेरे को। किसी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है अधिकारी वगैरह? मैं वहाँ पे अभी गया था, मीणा साहब मिले थे तो मीणा साहब कह रहे थे हम जाँच करा रहे हैं और भी ढूंढवा रहे हैं, 2-3 दिन का हमें टाइम दो, 2-3 दिन में हम और भी जगह देखते हैं क्या कैसे सब जगह पूरी जाँच। ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कहते हैं, क्योंकि मेरे को मेला चालू होने वाला, मेले में भी शोरूम लगता है तो मैंने कहा है कि मेरे को कम से कम 1 तारीख तक तो मिल जाना चाहिए क्योंकि मेले में शोरूम रात को आता जाना ये चल ही रहा है। क्या कहते हैं उसके साथ अपने कोई पिस्टल के साथ वो भी गायब हो क्या? नहीं, कारतूस तो मैंने जमा ही नहीं किए थे, रिवॉल्वर तो सिर्फ रिवॉल्वर ही जमा थी, कारतूस तो घर पर ही रखे हैं मेरे पास। आपका नाम और क्या करते हैं? नीलेश शर्मा नाम है और मेरा शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का और क्या कहते हैं किचन मॉड्यूलर किचन का शोरूम है। नगर निगम के चुनाव के समय पर ये पिस्टल जमा रिवॉल्वर जमा कराई गई थी। इस पर अभी फरियादी के द्वारा थाने में जब अपनी जो रिवॉल्वर वापस लेने गया तो उसके द्वारा बताया गया थाने में मिल नहीं रही है। अभी फिलहाल फरियादी वापस आएगा, फरियादी को बुलाया गया है और उस थाने में उसको लड़वाते हैं, जल्दी वो रिवॉल्वर मिल जाएगी।